सुबह सुबह का टाइम है, जमशेद दस्ती के घर पुलिस आई हुई है, लानत है ऐसे निजाम पे। ये जमशेद दस्ती के घर आए हुए हैं, ये कुत्ते भाग रहे हैं। ये 10 मुहर्रम का दिन है, जमशेद दस्ती के घर आए हुए हैं, 10 मुहर्रम का दिन है। ये देखे, ये इलियट है मुजफ्फरगढ़ से, ये आगे एक सिविल बंदा जा रहा है। ये देखे मुजफ्फरगढ़ जमशेद दस्ती के घर आए हुए, उसके बच्चों को हरासा किया जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, 10 मुहर्रम है। ये देखे गुंडागर्दी, देखे पंजाब पुलिस की इलीट उसके साथ है। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, आज रात अलग सुबह 3 बजे तकरीबन अभी 1.5 घंटा पहले जफर कॉलोनी में अपनी रिहायशगाह पे सोया हुआ था और तकरीबन कोई 25-30 लोग दीवार छलांग कर वो अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे बड़े ज़ोर ज़ोर से हमारे मेरे दरवाजे आवाज़ें आना शुरू कर दी और तोड़ना शुरू कर दिया दरवाजों। तो मैं वाइफ भी सोई हुई थी, मेरा बच्चा, तो नवाज दी, मैं भी उठा। तो मैंने उनको कहा कि मैं कि तुम कौन कुत्ते हो, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अब नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला मैं जान दे सकता हूँ और तुम कुत्तों का मुकाबला करूँगा। और बेगैरती की इंतहा, और इन्होंने दरवाजे धड़ धड़ तोड़े। मैं साथ एक दीवार थी वहाँ, वहाँ से मैंने क्रॉस किया और दूसरी तरफ मैंने वहाँ गेट खोला। गेट खोला तो मेरे दरवाजे के बाहर अंदर सारे नकाब पोश डाकुओं की तरह थे और ये फौरी एलीट फोर्स की गाड़ियाँ और सफ़ेद कपड़े वाले उसने ISI के लोग वाजे और उनके 5-6 गाड़ियाँ साइड पे खड़ी थी। लाइट थी वहाँ पे, मेरा भी वहाँ पे वो जो है ना वो चल रहा था, मेरा जो कैमरा लगा हुआ है। तो नकाब पोश सफ़ेद पोशों के हाथों में पिस्टल थे और उनके हाथों में जो है ना बाकियों के हाथों में राइफलें थी और मेरे ऊपर उन्होंने फायरिंग की। अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा और उन्होंने मेरी घटिया मुझे हर कर दी और अल्लाह के फजल से मैं वहाँ से खैर 7 महल्ले हैं उधर से मैं पोजिशन साहब के सामने वहाँ से निकल कर साइड पर आया। और पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, हमारी आगे से डेरा गाजी खान है, कर्नल गुलजार है उसका नाम, जो चेली नाम है, एक अच्छे से यह बदमाश बना हुआ है। इसने इसकी टीम ने जैली नाम है, कोई फाजिल नामी है और वो अपने आप को मेजर कहलवाता है मगर क्लियर है ISI के लोग हैं। इनका एक नेटवर्क है, इनसे कोई किसी का घर किसी की इज्जत महफूज नहीं। ये लोग मेरे पहले भी मेरे घर में आए, मेरा बच्चा भी चीखता चिल्लाता रहा, बेगम पर वो चीखती चिल्लाती रही और पूरा मोहल्ला इस टाइम मेरे सारे अजीज़ व वकारिब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे हैं। ये बेगैरत भाग गए हैं और मरूंगा। मैं बताना चाहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा जुर्म है, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं तुम्हारी बेगैरती को नंगा करूँगा, मैं आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। आपकी किस्मत अच्छी, खुदा की किस्म मैं कहता हूँ, मैं कट जाऊँगा इज्जत से, कोई अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तुमने भी हिम्मत के तुम बच निकले हो और मैं भी जो है ना मैं अपनी पार्टी को सबको, कभी मैंने तोहमत की सियासत नहीं की, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है और उसके लिए मैं जाके मैंने अपना बयान हल्फी जमा कराया और मैं इलेक्शन कमीशन गया, वहाँ मैं बयान हल्फी जमा कराया, मैं वापस आया। मैं शाम को रात को मैं शहर के जो है ना मजालस एजा के जो रूट्स थे मैंने वहाँ गया और उसके बाद मैं रात को आया। ये मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमारे ISI खुले आम बदमाशी पर उतर आई है और इंशाल्लाह मैं बलोच हूँ। ये भी बताना चाहता हूँ मैं अपने पूरे कबीले को बुला रहा हूँ और इधर बैठा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट के खासकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो हमारे मौजूद 8 फाजिल जजेस ने जिन्होंने आईने पाकिस्तान का बोलबाला किया, कानून के बोलबाला किया, जिन्होंने ये फैसला दिया और तरीके साहब को बहाल किया और हमारी 41 MLA को कहा कि वो 14 दिन के अंदर अंदर बयान हल्फी जमा करें। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये मेरी हालत देखो, मैं MLA हूँ और उस शख्स की अल्लाह की लानत है कि कोई बंदा ऐसी बात करे, किस हालत में मेरी ये पोजीशन है और किस हालत में यह, और चारों तरफ खौफ और हरास, बच्चा मेरा चीख रहा था चिल्ला रहा था।
और इतनी बर्बरियत और वो सारा डेटा रिकॉर्ड इकट्ठा है। मैंने अपने कबीले को, खानदान को, दोस्तों को, आज 10 मुहर्रम है, वाकई करबला है, और ये पैगाम है कि हर वक्त यजीदों का मुकाबला करो। हुसैनियत का मैं किरदार अदा करूंगा इंशाल्लाह। कल सारे वसीब को बुलाना चाहता हूं और मैं इंतजामिया को कहना चाहता हूं कि मैं लड़ूंगा, मैं अपनी इज्जत के लिए, इस मुल्क के लिए, और मैं आखिरी खतरे तक लड़ूंगा। आओ तुम्हारी बदमाशी, तुम हमारी इज्जतों पे हमले करो और हराम सत्य हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे आखिरी खून के कतरे तक। जान मैं देना जो है ना बर्दाश्त करूंगा, अब दे दूंगा हक की खातर, मगर तुम्हारी गुंडागर्दी इस मुल्क में कैद नहीं होगी। पूरी पाकिस्तानी कौम तुम्हारे किरदार पे लड़त कर रही है, तुम बेनकाब हो चुकी हो। तुम्हारी बेहती, तुम इतने घटिया गुस्सेल कि हमारी चादर चार दीवारी नहीं बच्चे नहीं, मुंतखब एमएलए ने क्या कसूर किया, हमने हमारा जुर्म किया, तुम शरीर हो, रुसवा हो चुकी हो। लानत है, एक तरफ सिक्योरिटी के मामला है, 10 मुहर्रम का दिन है, और आप रात की तरीकी में आप ये जुल्म कर रहे हो। इंशाल्लाह मैं सबको बता रहा हूँ, मैं पार्टी की आदत को बता रहा हूँ, और ये कुछ इन्होंने किया है, चारों तरफ घिराव किया, अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। 12 मेरा इंशाल्लाह खानदान है, मैं नौजवानों को मैं भी कफन पहन के निकलूंगा, और मेरे साथ जो है इस मुल्क की खातर, वसीब की खातर, और इनको बताऊंगा। और ये जो ये गुलजारी बैठा है, जो पूरे अरसे से डिवीजन को शर्गमाल किया, इनको बेनकाब, इनकी पूरी टीम, पहले इनके साथ सीची जी की टीम है, इलीट फोर्स है, कभी डीजी खान राजनपुर, चारों तरफ ये सब कुछ में थे, पूरे मोहल्ले को पता है, और ये कुछ ये इन्होंने किया और वहां फैलना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर इन्होंने फैलन की, बार अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। और इंशाल्लाह ताला तुम नाकाम हो, माजी में भी नाकाम हो, इंशाल्लाह हुसैनी है और तुम यजीदी हो, और यजीदियत को जो है ना शिकस्त है। और कल मैं तमाम वसीब के दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि फिल फोर तमाम दोस्त जो है ना यहाँ पे कल इंशाल्लाह आए और हम एक प्रोग्राम करेंगे, ज्वाइंट प्रोग्राम करेंगे, और बचाओ अपने इश्तों को, अपने घरों को। अगर हम इकट्ठे नहीं होते, ये हमें मारते हैं, ये हमें 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 खत्म करते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को ये वीडियो पैगाम है कि आज मुहर्रम इन तो बेगैरत है, इनमें तो बेगैरत नहीं है, इनमें मुहर्रम का कोई ख्याल नहीं किया, और इस दिन का और सिक्योरिटी मामला के बावजूद ये बेगैरतों को कोई शर्म नहीं आई। भारत सबको कहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी बैठ करूंगा और हम कफन पहन के निकलेंगे, और आओ इस इश्तों को बचाओ, हमारी माओ। ये सुबह सुबह का टाइम है, ये सुबह सुबह का टाइम है, जमशेद दस्ती के घर पुलिस आई हुई है, लानत है ऐसे निजाम पे, ये जमशेद दस्ती के घर आए हुए हैं, ये कुत्ते भाग रहे हैं, ये 10 मुहर्रम का दिन है, जमशेद दस्ती के घर आए हुए हैं, 10 मुहर्रम का दिन है, ये देखे, ये इलियट है मुजफ्फरगढ़ से, ये आगे एक सिविल बंदा जा रहा है, ये देखे मुजफ्फरगढ़ जमशेद दस्ती के घर आए हुए हैं, उसके बच्चों को हरासा किया जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, 10 मुहर्रम है, ये देखे गुंडागर्दी, देखे पंजाब पुलिस की इलीट उसके साथ है।